तो सामने आपके सुपर मीटियोर 650 और आज हम कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं मीटियोर 350 एंड सुपर मीटियोर 650। दो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा इंजन के ऑलमोस्ट डबल बड़ा इंजन यूज़ है और वहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है डुअल सिलेंडर। लेकिन स्टिल एक कंपैरिजन वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक कंपैटिबल होगी आपके राइडिंग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करें इंजन स्पेक के बारे में, तो इसमें मिलता है आपको 648 सीसी का डुअल सिलेंडर इंजन जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 747 bhp का। और वहाँ पे मीटियोर 350 में आपको मिलता है 349 cc का इंजन जिसमें आपको 20 PS का मैक्सिमम पावर मिलेगा और 27 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। अपार्ट फ्रॉम इट आप देख सकते हैं जो इसका फुट पेग है वो दिस इज़ वेरी लाइंड विथ माई फुट, यानी L शेप बनता है। आपको जब आप बैठते हो बाइक पे तो पूरा L बनता है और वहाँ पे जब आप बैठोगे आप सुपर मीटियोर 650 पे तो कहीं ना कहीं जो आपका राइडिंग कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आपका जो पैर है दिस इज़ मोर लाइक जे, यानी आपको पूरा मिलता है सिटिंग रूम, साथ ही साथ जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। इंजन वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा मिलता है, प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इस चीज़ को यानी इस कंफर्ट को ज़रूर कंसीडर करें अगर आप कोई भी बाइक लेना चाहते हैं, सेट क्रूजर सेगमेंट यानी क्रूजर सेगमेंट तो दोनों ही बाइक है, लेकिन अगर सुपर मीटियोर पे जाना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे इसकी राइडिंग पोजीशन और फुटपैक पोजीशनिंग की वजह से। जो दूसरा फीचर है वो इसका क्लच। तो जब आप बाइक राइड करते हो जो इंगेजमेंट होती है आपकी लीवर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो क्लच लीवर अगर एडजस्टेबल है यानी लीवर अगर एडजस्टेबल है तो कहीं ना कहीं आपकी राइड जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, जो कि मीटियोर 350 में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इस बाइक में आपको ऑल अराउंड LED सेटअप मिलता है अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिकेटर्स। अगर आपको इंडिकेटर भी LED चाहिए तो आप इसमें करा सकते हैं एक्सेसरीज ऐड जो कि इनफील्ड का अथराइज्ड होगा, यानी ऑल अराउंड LED सेटअप आपका आपकी बाइक हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें मिलता है आपको ट्रिप नेविगेटर जो कि आपके मीटियोर 350 के टॉप वेरिएंट में भी आपको मिसिंग रहेगा, यानी सुपर मीटियोर में ऐड किया गया है ट्रिप नेविगेटर। क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, आप ऑफकोर्स बड़ी राइड्स पे जाएंगे, लॉन्ग राइड पे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपका ट्रिप नेविगेटर जो कि सुपर मीटियोर में दिया गया है और आपकी मीटियोर 350 में मिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम इट सबसे बड़ी चीज़ अगर आप इंजन में मिलता है आपको डुअल सिलेंडर, तो इंजन में जितने वाइब्रेशन हैं वो सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी। सिंगल सिलेंडर जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइक में आप जब 120 प्लस आप जाओगे तो वाइब्रेशन आप नहीं हटा सकते, सिंगल सिलेंडर में वाइब्रेशन हमेशा आएगा अगर आप 120 की स्पीड को अटेंड करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे यूज़ किया गया है डुअल सिलेंडर जो कि आपके इंजन के वाइब्रेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, यानी अगर आप बाइक 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी राइड करेंगे तो आपकी बाइक में जो वाइब्रेशन का इशू है वो नहीं आएगा। इसके कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, फिनिश आप देख सकते हैं इसमें फॉर चेसी यूज़ किया गया जबकि मीटियोर में आपको मिलता है नॉर्मल चेसी। अब आप कह रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स ऐड हैं तो ऑफकोर्स ये बाइक अच्छी है। जी हाँ, ये बाइक अपने सेगमेंट में अपने इंजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं डबल पे करना पड़ा है। आपको मीटियोर शुरू हो जाती है 2,30,000 रुपीज़ से, डिपेंड्स ऑन इस वेरिएंट। आपको इसमें ऑलमोस्ट 3 वेरिएंट मिलते हैं, लाइक स्टेलर मिलता है वहाँ पे, सुपरनोवा मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है उसमें फायरबॉल। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं जो कि है इंटरस्टेलर, स्टेलर और सेलेस्टियल। यहाँ पे आपको एडवेंचर जो बाइक है इसकी क्रूजर सेगमेंट वाली, वहाँ पे आपको बैकरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पे विंडशील्ड। वो टोटली अलग टॉपिक है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे किसी दिन। अब हम बात करते हैं इस बाइक के थोड़ा लुक एंड फील को लेके। ये बाइक थोड़ी हैवी है, बड़ी है, आपको हैंडल भी काफ़ी बड़ा दिखेगा, साथ ही साथ फीचर लोडेड है। अगर बात करें प्राइस को लेके तो इस बाइक का जो प्राइस है ऑन रोड वो सम अराउंड 4,15,000 रुपीज़ है और मीटियोर 350 का जो प्राइस है वो है 2,30,000। वो वेरियंट टू वेरियंट थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको ऑलमोस्ट वो ये बाइक डबल है, यानी 2,00,000 आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा इस बाइक के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना। अगर आपका बजट है तो ऑफकोर्स ये बाइक ज़रूर कंसीडर करें आप। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको मिलता है टक्ड इन एग्जॉस्ट, वहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है जो कि आपकी बाइक को पीछे से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी जो एंट्री होगी काफ़ी बढ़िया रहेगी। और ओवरऑल इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक को ध्यान रख के बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा लाइन सीट भी है। राइडिंग पोजिशन या बाइक के इंजन की क्वालिटी, चेसी की क्वालिटी, साथ ही साथ USB पोर्ट है यहाँ पे जिससे आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो बाइक को नेक्स्ट लेवल या आप कहते हैं एक अच्छे वेरिएंट की तरह, वर्जन की तरह इस बाइक को रख के बनाया गया है।
अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप ध्यान दें, इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रख के बनाया गया इस बाइक में हीटिंग ना हो, क्योंकि हीटिंग एक ऐसा इशू है जो कि इन फील्ड की ऑलमोस्ट हर बाइक में एक हीटिंग वाली चीज़ रहती है। उस चीज़ को भी ओवरकम करने की कोशिश की गई है। इसका जो इंजन है वो एयर प्लस ऑयल कूल्ड है, दो इंजन सेम ही यूज़ किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूजर सेगमेंट की जो बाइक है जीटी के इंजन को और रिफाइन करके और ट्यून करके बनाया गया है, तो आपको हीटिंग वाला इशू उस तरह से फेस नहीं करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो हीटिंग इशू कम किया गया है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो जो बेस्ट पार्ट है ये अभी तक इनफील्ड ने किसी भी बाइक में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वो है इसका यूएसडी फॉक्स इन द फ्रंट, यानी जो सस्पेंशन है वो कहीं ना कहीं जो सुपर बाइक्स में होते हैं उस तरह के सस्पेंशन दिया गया है। आपको इसमें शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि यूएसडी फॉक्स हैं, और रेयर में आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो कि प्री लोडेड है। प्री लोडेड सस्पेंशन से ये होता है कि आपकी बाइक जब गड्ढे में जाती है तो जो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, इनेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं इनहेंस होती है, नेक्स्ट लेवल होती है। तो ओवरऑल ये बाइक आपको ऑन रोड 4,15,000 की मिलती है, और ये आपको हर तरह से आपको फीचर लोडेड है, तो आपकी राइड बहुत अच्छी होना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंपैरिजन वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।